आयो सांवलियो सरकार, बस सराउंड बनाओ, सराउंड भैया सराउंड बनाइए इसका। आए आयो सांवलियो सरकार, आज ही कैथल आया बाबा, स्वागत नहीं करोगे? जरा शोर मचा दो थोड़े बाबा के नाम का। आयो लल्ला, तू खड़ा हो जाएगा, सारे लोग खड़े हो जाएंगे पीछे, ऐसा मत करो यार, थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर मैं खुद परमिशन दूंगा, चिंता मत कर, सारे मिलके नाचेंगे, जब तक के आपके पांव नहीं थक जाए तब तक मेरी आवाज नहीं रुकेगी, गारंटी मेरी। हाँ जी, कैसे स्वागत करोगे, नॉर्मल या फिर एक्स्ट्रा नॉर्मल? नॉर्मल या एकदम अलग? अलग कौन कौन करेगा, थोड़ा हटके। हाँ जी, ये बात ना आप पता चला, कमर कस लो। अब आपको एक तरीका बताता हूं, आयो शब्द में बहुत ताकत और बहुत रस है, बहुत आनंद है। आयो जब जब बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा? अरे आवाज तो आवे, बोलो। मारवाड़ी समझ आती है थोड़ी थोड़ी? आती है? यहां नहीं आती, चलो ठीक है, मैं हिंदी में बोल देता हूं। चौथ माता की कथा कितनी औरतें यहां पर है जो करती है, कितनी माता बहने करती है चौथ माता की कथा? नहीं करते यहां पे, सिस्टम नहीं है क्या? करते हैं कुछ कुछ लोग, करते हैं। कितनी माता बहने चौथ माता की कथा करती है? हाँ ठीक ठाक हाथ उठ रहे हैं। जब हम लोग, हमारे घर में देखा जाता है जब चौथ माता की कथा होती है तो जब कहानी सुनी जाती है तो हाथ में से क्या लेते हैं? हाँ, और लेकर के हर छोटी छोटी बात में हूं किया जाता है। वैसे आपको भी आवाज देनी है, हैं? क्या बोलोगे? आयो, क्या बोलोगे? आवाज नहीं है कैथल वालों, क्या बोलोगे? अब ये जो आयो है ना, इसको ऐसे नहीं बोलना, ये ऐसे एनर्जी बर्बाद नहीं करनी, धीरे धीरे, जैसे जैसे आवाज ऊपर वैसे वैसे हाथ ऊपर, ठीक है? अब मैं डेमो दे रहा हूं, बाकी फिर आप पे छोड़ूंगा। हे आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, हे आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़, तालियां बजे, लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के, एक बार और, लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के, मुझे देखना, आयो एक साथ, लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के, बोलो, आयो हाँ जी। अब ये बताओ किसको किसको समझ आ गया? बड़ा आसान है, एक गलती आप क्या कर रहे हो पता है, हाथ तुरंत उठ जा रहे, जैसे आवाज उठ रही है वैसे वैसे हाथ, ठीक है? एक बार और सब मिलके करेंगे, लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के, एक बार और, लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के, आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, कौन कौन स्वागत करेगा बाबा का, जब बुलंद आवाज में एक एक आवाज मिलके आए, ए लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़, यहां से, लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के, एक चीज अच्छी लगी मुझे, आप लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, अभी सबने सिर्फ हाथ उठाया बोला नहीं, अब हाथ उठाने के साथ साथ बोलना भी है, ठीक है? लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के यो
धन्यवाद। आयो कैथल के प्रेमियों, कोई आपसे सवाल करेगा कि श्याम बाबा कैसा दिखता है, इससे अच्छी लाइन नहीं मिलेगी। हमारे बाबा को देखना और बोलना, अरे मुच्छा की मरो हो, 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 अरे मुच्छा की मरोड़ ऐसो रोब है निरालो, बात झूठी हो तो हाथ नीचे, बात सच्ची हो तो हाथ ऊपर। ये बात, अरे मुच्छा की मरोड़ तो रोब है निरालो, घर वाला पाल मारो सावरो रुकालो, घर वाला पाल मारो सावरो रुकालो। खाटू कितने लोग हैं, कौन कौन गया खाटू, हाथ नीचे। एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अब की बार खाटू जाएं तो एक काम करिएगा, जैसे ही बाबा से नजरें मिले बाबा को एक बात बता देना, बाबा आपको लगता है उतने मूर्ख हम नहीं है, आपको लगता है कि आप वहां से हमारे घर आते हो और हमें पता नहीं चलता, ऐसा नहीं है। जब जब आप खाटू से कैथल आते हैं हमें पता तभी चल जाता है जब आप खाटू छोड़ते हो। कैसे, एक तरफ आपने सिंहासन छोड़ा और दूसरी तरफ लीला की टाप टप टप करके, एक बार और, ए लीला की टाप टप टप करके बोलो, हाँ जी सारे मिलके आयो, देखो ये इस बात का, ये इस बात का प्रमाण है, सिसला धाम के दरबारियों का बहुत बहुत स्वागत है दरबार में, और ये इस बात का प्रमाण है, जो बाबा का स्वागत करता है बाबा उसका स्वागत कराता है। तो उठाओ हाथ एक बार, ये मेरा नहीं, ये राज पारिक का नहीं, ये राज पारिक के साथ जिस जिन बच्चों ने अभी बाबा का स्वागत गाया ये उनका स्वागत है, ये पगड़ी मेरी नहीं, ये पगड़ी आप सबकी। जरा उठाओ हाथ एक बार मिलके और बोलो, अरे पलके ही पलके, ए पलके ही पलके बिछाएंगे, शाम प्यारे घर आएंगे, आएंगे, आएंगे। शाम प्यारे घर आएंगे। एकदम सीधा सा सवाल कर रहा हूँ, जवाब अगर हाँ हो तो हाथ उठ जाने चाहिए। कौन कौन चाहता है कि हमारे घर में यानी आपके घर में साल में एक कीर्तन बाबा का हो, कौन कौन चाहता है? अगर हाँ जवाब है तो हाथ ऊपर, जो चाहता है उसकी आवाज आए। पलके ही पलके बिछाएंगे, मेरा दिल ऐसा बोल रहा है जैसा आप अभी गा रहे हैं। आप सबको एक काम करना पड़ेगा घर जाके, बताऊं क्या? अरे पूछो तो सही क्या। हाँ, आप सब कैथल वालों जब अपने घर को जाओगे कीर्तन के बाद, तो जो शादीशुदा है वो अपने पति या पत्नी से, जो छोटा है वो अपनी मां से, जो कुंवारा है वो भी अपनी मां से, जो आप सोच रहे वो मैं नहीं बोलूंगा। काला टीका लगवा लेना, क्योंकि किसी और की नहीं, राजपारी की नजर लग जाएगी आप लोगों को। हाँ, कौन कौन चाहता है घर में बाबा आए? ईमानदारी से उठाना हाथ, किसी और के बोलने से नहीं, जरा उसको देखना और जरा प्यार की निगाहों से देखकर बोलना, हे श्याम बाबा, अरे घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बंदर बार बंधाई घी का दीप जलाया, बंदर बार बंधाई घी का दीप जलाया, हर 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 हर
कोना कोना मैंने फूलों से सजा, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। अच्छा, इस लाइन में तो आपकी आवाज आनी चाहिए, बुलंद आवाज आनी चाहिए, दरबार गूंज जाए ऐसी आवाज। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजा, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, कीर्तन नहीं कराना। बाबा आए घर में, कौन कौन जाता है, बुलंद आवाज। घर का कोना कोना मैंने ये बात, अरे घर का कोना कोना मैंने फूलों से 15 बार बंधाई घी का दीप जलाया, कीर्तन कराओगे हाँ या ना, राजपरे को बुलाओगे, सॉरी ना बोल देते इससे अच्छा, बुलाओगे इन सबको बुलाओगे। ये देखो ये हाँ जो कमजोर कमजोर वाली हाँ आई ना अभी, ये बड़ी बुरी है। आप ये सोच रहे होंगे अरे इतने सारे लोग, अरे प्रेमियों जगह घर में नहीं, जगह दिल में होनी चाहिए। हमने कहा नहीं, हमने कहा नहीं, तुमने सुना नहीं, अरे काम तो फिर भी होता है। और जिस बच्चे का बाप शाम हो वो तो खुटी तान के सोता है। बाबा के होते कोई चिंता नहीं है, तो उठाओ हाथ एक बार और बोलो मेरे साथ एकदम बेफिक्र होके, बोलो बाबा से कि तेरा कीर्तन कराना है बाबा। अरे घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, मैंने फूलों से सजाया, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। अरे 15 बार बधाई घी का दीप जलाया, 15 बार बधाई घी का दीप जलाया। माता माता ओ माता, हम भजन गाते आप कहां को जाता, बैठने को जाता, क्या हो गया, बैठोगे ना। हाँ अगर आप घर को जाता तो मजा नहीं आता, आप घर जाके सो जाता और हम कीर्तन का आनंद लेता रह जाता। आपको कुछ नहीं मिलता, हमको सब कुछ मिल जाता। बोलो शाम प्यारे की। देखो प्रेमियों, कीर्तन के बीच में जाने के कुछ नुकसान है। क्या नुकसान है, कीर्तन के बीच में आप जाओगे आपका काम बनेगा, इसकी गारंटी मेरी है, क्योंकि आप कीर्तन सुन के और करके जा रहे हो। लेकिन कीर्तन के अंत में जाने वाले को यह फायदा मिलता है कि जब वो जाता है तो बाबा पीछे से रोकता है, बोलता अरे पगले आरती हो गई, मैं यहां क्या रुकूंगा, मैं भी तेरे साथ तेरे घर चलूंगा। कौन कौन ले जाएगा बाबा को घर, दोनों हाथ ऊपर। अरे प्रेमी जनों को बुलाएंगे, जिस दिन शाम, एक आध आदमी, एक आध ज्यादा नहीं, अरे जिस दिन शाम प्यारे घर, जिस दिन शाम प्यारे घर आए, जिस दिन शाम प्यारे घर आए, भाइयों के लिए बजा दो थोड़ी ताली।